नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज़। मैं हूं पूजा रघुवीर, आपके साथ बात करेंगे बीजेपी को भेजे गए मानहानि के नोटिस के बारे में, जो कि 10 करोड़ का नोटिस है, जो कि कांग्रेस के नेता विवेक तनखा ने बीजेपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ये भेजा है। इसे लेकर अब सियासत जो है तेज़ हो गई है। दोनों ही दल क्या कुछ सोचते हैं इस नोटिस को लेकर, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से दुर्गेश केसवानी जी और कांग्रेस से पीसी शर्मा जी। स्वागत है आप दोनों का ही एमपी न्यूज़ पर। सबसे पहले बात करना चाहूँगी दुर्गेश केसवानी जी से। सर, बहुत स्वागत है आपका एमपी न्यूज़ पर। जानना चाहूँगी आपसे, जिस तरह से कांग्रेस के नेता विवेक तनखा ने मुख्यमंत्री को नोटिस भेजा है मानहानि का, जो कि 10 करोड़ का नोटिस बताया जा रहा है, तो कैसे देखती है बीजेपी इस नोटिस को? मुझे लगता है कि कांग्रेस शुरू से ही ओबीसी वाले जो मुद्दा है उस पर बचती रही। चाहे आप कमलनाथ जी को देखेंगे, जब वक्त के बदलाव के साथ उन्होंने जब सरकार बनाई थी मध्य प्रदेश की, और जो उन्होंने उन्होंने उस समय की जो बात थी, जब लोकसभा चुनाव था तब उन्होंने एक शुरू का छोड़ा था कि 27% हम आरक्षण देंगे, क्योंकि संसद के चुनाव थे उस टाइम पे संसदों के, और उस समय आप देखेंगे कि उन जो रिजल्ट आए वो उनके मन मुताबिक नहीं है। 28 सीटें हमने जीती और 1 सीट उन्होंने टोटल जीती, तो फिर उन्होंने उसको खंडे बस्ते में डाल दिया। क्यों नहीं कोर्ट में उन्होंने अपने लोग खड़े किए, जब अपील जाते खड़े कर सकते थे, वो चाहते तो वो सब चीजें कर सकते थे, पर वो दिशा में आगे नहीं बढ़े, क्योंकि कांग्रेस शुरू से ही सत्ता की राजनीति करती आई है और आज भी सत्ता की राजनीति ही उनको पसंद है, वही करते हैं ये लोग, और इस विषय वो आगे बढ़ते अगर अपने एडवोकेट खड़े करते तो नहीं। उसका काम अगर किसी ने किया ओबीसी को जो हक दिलाने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने किया। और रही बात नोटिस भेजने वाली मैम, तो उसमें नोटिस आ जाइए, निश्चित रूप से उसका जवाब देंगे राजनीतिक दल है। अगर आप चुनाव में से पंचायत चुनाव अगर भागना नहीं चाह रहे थे तो फिर अदालत जाने की क्या जरूरत थी? आज ये बताइए, सईद जाफर के कांग्रेस के नेता नहीं है क्या? विवेक तनखा जी नेता नहीं है क्या? और एक तरह कमलनाथ जी बोल रहे हम चुनाव चाहते हैं और बाकी उनकी टीम पूरी उसमें लगी हुई रोकने के लिए, तो कहीं ना कहीं जनता ये समझ गई है कि इनकी दोहरी रणनीति है, ये फ्रंट पे कुछ और बोलते हैं और पीठ पीछे कुछ और करते हैं। जी दुर्गेश जी, आगे की क्या रणनीति हो सकती है इस मुद्दे को लेकर बीजेपी की? देखिए मैम, हमारे वरिष्ठ नेता, हमारा प्रदेश नेतृत्व तो निश्चित रूप से उनका मतदाता ने आएगा तो उसका जवाब दिया जाएगा, और ओबीसी के लिए ओबीसी की हक की लड़ाई हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने लड़ी। आप देखेंगे अभी जनजातीय वर्ग का जो गौरव दिवस के रूप में 15 नवंबर को हमने माननीय प्रधानमंत्री ने पूरे देश भर में उसका ऐलान भी किया, तो हम हर वर्ग के लिए जो माननीय मोदी जी का मूल मंत्र है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करती है, सर्वांगीण हर समाज के विकास के लिए काम करती है, और यही कारण है कि आज देखेंगे जनजातीय वर्ग ने जो अपना आशीर्वाद हमें जोगट और कृष्णपुर में दिया, निश्चित रूप से उसी का परिणाम है कि हम सर्व हर वर्ग की चिंता करते हैं। जी जी दुर्गेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए। अब बात करना चाहूंगी मैं कांग्रेस से पीसी शर्मा जी से। सर, बहुत स्वागत है आपका एमपी न्यूज़ पर। जानना चाहूंगी आपसे, जिस तरह से विवेक तनखा जी ने जो है नोटिस मुख्यमंत्री को दिया है मानहानि को लेकर, इसे लेकर अब जो है बीजेपी की तरफ से पलटवार हो रहा है कि हम हर तरह के नोटिस का जवाब देने के लिए तैयार है, और ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है तो इस तरह से जो है बीजेपी को घेर रही है, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? बीजेपी ने पहले कोई गलती की कि जो विधानसभा में 2019 से पारित हुआ था विधेयक और उस हिसाब से परिसीमन और आरक्षण हुए थे, वो चुनाव कराना था, वो न करा के अध्यादेश के माध्यम से कानून को रोका, और 2014 के जो परिसीमन आरक्षण से किया, जबकि नियम यह है कि रोटेशन से होना चाहिए, तो कांग्रेस ने ये रोटेशन का पालन किया था 2019 में, तो ये चाहते थे ही सब लूप होल छोड़ के चुनाव न कराना, इनकी मर्जी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय आया उस निर्णय ने जो है ओबीसी की चीज को चुनाव से रोक दिया है, उसको बताइए और सब कीजिए, तो कुल मिला के जो बीजेपी की हमेशा मंशा रही, क्योंकि पहले भी 27% जीवन की सरकार में ये पारित हुआ था, 27% कमलनाथ की सरकार में हुआ, और इनने उस समय भी इसका विरोध किया था, क्योंकि जो आज एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह उन्होंने तब सीएससी के एडवोकेट पे तब इन्होंने विरोध किया था, और कांग्रेस का तो कोई लेना नहीं कोर्ट है, एक जो लोग जो प्रोफाइल थे उन्होंने किया, और जहां तक तनखा साहब का सवाल है वो एक एडवोकेट थे, उन्हें ये वाली बात कोई रखी नहीं, उन्हें तो
इसकी समाधान नहीं होने चाहिए, कोर्ट ने एक दिया तो जिस तरह से उनको किया जा रहा है कि कांग्रेस के नेता है उन्होंने सब करवाया, इसलिए उन्होंने 10 करोड़ का नोटिस इन लोगों को दिया है, मैं समझता हूँ उचित है वो पूरी तरह जी। सर आगे की क्या रणनीति होती है, हो सकती है इस पूरे मुद्दे को लेकर कांग्रेस की? कांग्रेस ओबीसी आरक्षण के लिए लगातार पूरी ताकत से लड़ेगी जी, और कल स्थगन प्रस्ताव लेके आएगी विधानसभा के अंदर। जी सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए। चर्चा के विषय में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहें एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार।